क्या मैं ईमानदार रह के भी मैनेजमेंट डिग्री पूरी करने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे रूप से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं, क्या अच्छा अपने परिवार को, अपने माता पिता को, उन्होंने जो मेरे पर तकलीफ़ पा के भी, कर्ज़ा लेके भी मुझे पढ़ाया लिखाया, उनको खुश रख सकता हूँ कि नहीं बाकी उनके समय में, ये सब प्रश्न आपके मन में एज ए स्टूडेंट ही नहीं, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे भी बढ़ चुके हैं, उनको जब तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तब भी उनके सामने ये प्रश्न फिर एक सच्चाई के रूप में सामने आके खड़ा हो जाता है कि भाई क्या मैं जो ईमानदारी के रास्ते पे चला वो ठीक था, शायद मैं ये नहीं करता, अगर बेईमानी का रास्ता अपना लेता तो शायद ज़्यादा खुश होता। आप ही के इस इंस्टीट्यूट के एक मंजूनाथ नाम के स्टूडेंट ने जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हुई हो रही करप्शन के बारे में जब प्रश्न उठाए तो मुझे बताया गया कि उनको गोली से मार दिया गया। क्या वो ठीक थे अपनी जगह? उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। क्या सच्चाई है? क्या हमको करना चाहिए? तो इस पर हम डिबेट शुरू करें आपस में। इससे पहले मैं कुछ अपने तजुर्बे आपसे शेयर करना चाहूँगा। कई बार इस प्रकार से लगता है कि शायद मुझे बेईमानी का पैसा हजम नहीं हो सकता। एक बार एक टेंडर हम भरने गए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर था, तो हम पांच लोग, कोई सप्लाई ऑफ मूंग का टेंडर था, चार या पांच लोग थे शायद बिडिंग करने में, चारों पांचों ने तय किया हुआ था भी थोड़ा थोड़ा बांट लो, भाव कम नहीं करना, तो उसके हिसाब से टेंडर भर दिया। लेकिन वो सामने जो अफसर था, बड़ा ईमानदार अफसर था, उसको लगा कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर किए हुए हैं, इन्होंने पूल किया हुआ है, तो वो नेगोशिएट कर रहे थे। वो नेगोशिएशन में टाइम निकलता जा रहा था। अब मेरे पास तो जितना पैसा था उससे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का तो मैंने माल खरीद लिया था, लोगों का पैसा देना था, लोग रोज़ तकाजा करते थे, भाई एक हफ्ते का टाइम होता है पेमेंट करने का, आज 15 दिन हो गए तुम्हें। तो आखिरी मिनट पे मुझे क्या सूझा कि मैंने वो पूल तोड़ दिया, यानी बाकी चार लोगों से बेईमानी की, और अंदर जाके उसके अफसर से कहा, नेगोशिएशन चल रही थी, सब लोग बाहर खड़े हुए थे, सब बात कर रहे थे, अंदर जाके मैंने कहा, साहब ये बताइए आपको क्या रेट चाहिए, पर आज ही तय करना पड़ेगा आपको। उसने कहा अच्छा ठीक है, आज ही तय करिए। उसने मुझे रेट बता दिया, मैंने हाँ कर दिया, उसने ऑर्डर मुझे दे दिया वो सारा, यानी जितनी क्वांटिटी मुझे मिलनी चाहिए थी उसकी सारी की सारी मुझे मिल गई। आप यकीन मानिए कि अल्टीमेटली उस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मुझे भरनी थी, जितनी मेरे हिस्से की थी पूल में हमने की हुई थी, वो तो खरीदी हुई थी, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी 5 गुना ज़्यादा मिल गई तो उसको खरीदना पड़ा, भाव बाज़ार में बढ़ गए, नुकसान हो गया। आज भी दिमाग में है, आज ये बात हो गई 40 साल 35 साल पुराने, फिर भी दिमाग में जहन में है कि बेईमानी का पैसा तेरे लिए नहीं है। लेकिन इसमें भी आप कह सकते हैं कि जी आपने उस फूड कॉरपोरेशन के साथ तो ईमानदारी की, उसके साथ तो बेईमानी नहीं की, लेकिन चार लोगों से वादा करके बैठ के जो तय किया उससे तो हट गए। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वो नोटिस में आता है और वो आगे बढ़ता है। कुछ समय के लिए तकलीफ हो सकती है ईमानदारी की वजह से, कुछ समय तकलीफ आ सकती है आपको, लेकिन लॉन्ग रन में ईमानदारी पे करती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर यही बात मैं कुछ काम करने वाले लोगों से जो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं उनसे पूछूंगा तो वो शायद ना माने इस बात को।
क्योंकि हमारे यहाँ भी अपनी कॉरपोरेशन में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि मैं भी अगर मीटिंग लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो शायद बात कह दें, सच्चाई ना बोलें। लाइकेबल ट्रूथ इज सेड इंस्टेड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द ट्रूथ। ये तो मैंने आपको एक अपने उदाहरण से बताया। अब आप लोगों का तजुर्बा क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन। सर आई थिंक सर ईमानदारी सर इंटरप्रेन्योर के लिए या सर एक आम इंसान के लिए, सर दोनों के लिए ही बराबर है। सर इंसान बेईमानी से पैसा जरूर कमा सकता है सर, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकता। और एक ईमानदार इंसान इज्जत कमाता है, और सर इज्जत कमा कर ही वो आगे लॉन्ग रन में चल सकता है। सर बेईमानी से वो अपने लिए नोटों की गड्डियां तो खड़ी कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से वो इज्जत कमाएगा जो उसके मरने के बाद उसकी पुश्तों तक चलेगी। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से और क्या क्या बेनिफिट है ईमानदारी के? यू विल पुट 100% एफर्ट, यू विल पुट 100% एटीट्यूड इन योर वर्क। जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ठीक से समझा नहीं पाए। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आपकी कामयाब होने के चांसेस 50 से 100% हो सकते हैं। ईमानदार होने का ये फ़ायदा है। सर गुडविल क्रिएट होती है और कस्टमर लॉयल्टी फॉर अ बिजनेसमैन, उसके कस्टमर्स उसके लिए भगवान बोला जाता होते हैं। वेरी गुड। एंड सर कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट होती है और कस्टमर लॉयल्टी मिलती है। हाँ। सर यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि बेईमान आदमी मतलब जल्दी हार जाता है, ईमानदार आदमी नहीं हारता है। हम यहाँ सभी लोग से ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग मैनेजमेंट एजुकेशन करते समय स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेजॉरिटीज ऑफ द पीपल्स आर मॉडिफाई करके अपने फादर की इनकम शो करते हैं, क्या वो गलत तरीका नहीं है सर? और हम लोग उसके लिए कहते हैं, बात करते हैं। अब हम आपसे बात एक दूसरी पूछते हैं कि आप में से बहुत लोग होंगे और मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम ये भी सोचते हैं कि ईमानदार रहने के बड़े नुकसान भी हैं। जैसे कई बार मेरे पास हमारे एम्प्लॉई आते हैं, बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, तो वो कहते साहब इस बार जो इंक्रीमेंट मिला मुझे मेरी परफॉर्मेंस से कम मिला, इसलिए क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया और मैंने अपने मैनेजर को खुश नहीं रखा, तो ये नुकसान हो गया उनको। एक छोटे इस विषय से लेकर के और बहुत से नुकसान लोग अपने आप में कहते हैं कि ईमानदार रहने के इस युग में नुकसान ही नुकसान है। तो आपको कैसे लगता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ईमानदार रहने के? ईमानदार होने के एक और नुकसान जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में झेला, मैंने अपने बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उनके इलीगल एक्टिविटीज़ के, और मुझे जॉब से निकाल दी गई। तो इसकी ईमानदारी की अगर ये मुझे सजा मिली, ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की, मुझे मैं कहूँगा कि गलत चीज़ को बर्दाश्त करना भी बेईमानी है। बोलिए बोलिए सर। सोशल एलियनेशन एंड फैमिली प्रेशर्स, मेरा आपसे एक प्रश्न है, इस स्थिति को हम इस देश में कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज की आप युवा पीढ़ी आप बैठे हैं, मैं आई एम नाउ 63 years old, मुझे नहीं पता कितने दिन रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, कितने साल रहेंगे नहीं रहेंगे, शायद निकल जाएगी कुछ अपना सच्चाई का वो रखे हुए हैं, कुछ कामयाबी है तो शायद मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती जो आपको फेस करनी पड़ती है, समय हमारा निकल जाएगा। आप कैसे निकालेंगे? आपके सामने ज़िंदगी पूरी पड़ी है, आपको अपनी ज़िंदगी, आपके आगे आने वाले नस्लों की ज़िंदगी अगर बनानी है तो इस अन्याय को बर्दाश्त मत करिए, इसके सामने आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाएंगे तो सब ठीक होगा।